प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। रोशनी क्या चल रहा है आज? अंजलि इतनी ज्यादा गुस्से में है। बेसिकली हम लोग घर पे मतलब थोड़ा टेंस माहौल है बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले परी चाची मुझे सुना के गई हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी तो जो भी मतलब माहौल है बहुत हैवी है, तो उतने में टीवी हम लोग को एक न्यूज़ दिखती है एंड दिखता है कि यू नो अंजलि का वीडियो चल रहा है जहाँ पे शी इज़ एक्चुअली यू नो सैम जो है जो ब्लेम किया गया था कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे जो भी, तो वीडियो के हिसाब से वो थोड़ा गलत मतलब प्रूव हो रहा था पॉइंट, ऐसा लग रहा था दैट यू नो समथिंग एल्स इज़ ओनली गोइंग ऑन। तो सिमर जो है वो विक्रम को कॉल करती है एंड विक्रम ने न्यूज़ तो दे दी है कि हाँ बेल हो गई है, बट ऑब्वियसली पति हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ही मस्ट बी फीलिंग ऑकवर्ड अबाउट थिंग्स। तो सिमर जो है वो कहती है कि मैं आ जाती हूँ वहाँ पे अंजलि को मिलने बिकॉज इतना बड़ा यू नो कुछ हो गया एंड ये भी पता चला है कि क्योंकि फ्रॉड हो गया है तो उनको यू नो शायद जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है जो भी। तो वो विक्रम जो है वो कहते हैं कि नहीं हम वहाँ जाते हैं। नुते में वी कम टू आई मीन वी सी दैट अंजलि बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी नशे में मतलब वो घर पर आई हैं एंड बहुत सी मतलब बातें सुना के चली गई हैं जो कि मतलब काफ़ी टाइम से एवरीथिंग वॉज नॉर्मल बिटवीन अंजलि एंड सिमर, लेकिन अब थोड़ा फिर से यू नो कहीं ना कहीं आई थिंक वो जो बिटरनेस था ऑफ अंजलि टुवर्ड्स हर ओन मदर वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। फाइनली मुझे ऐसी माँ की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो औरत अपने खुद के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देना वो माँ वो भी नहीं सकती, और ऐसी औरत माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। जो भी गुस्सा है अंजलि का वो सिमर पे और पीयूष पे खुल बहुत सारा ही बरस रहा है। तो क्या था ऐसा, पीयूष ने ऐसा क्या बोला जो इतना ज्यादा अंजलि को गुस्सा आ गया? पीयूष मतलब ऐसे कुछ उससे बोला नहीं, जस्ट दैट आई डोंट थिंक अंजलि हैज़ एवर एक्सेप्टेड पीयूष एज यू नो हर ओन ब्रदर एज सच, क्योंकि हमेशा अलग रहे हैं। जबकि मतलब खुशी का माहौल भी होता है तब थोड़ा बहुत वो ठीक है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनको हमेशा बस ऐसा लगा है कि यू नो अपने बेटे के लिए अपनी बेटी को छोड़ के गई, तो यू नो इसलिए वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसे सीन्स में निकल जाता है एंड विच आई थिंक अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि शी इज़ नॉट एक्सेप्टेड हिम मे बी एज ऑफ येट। तो रोशनी और सिमर सब कुछ सुधार पाएंगी दोनों के बीच की जितनी भी दूरियां हैं? अब देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आरव अनन्या की शादी जो है वो भी टूट गई है प्लस उसके साथ, और अभी अभी जो काल का पूरा गया है जो मतलब यू नो सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो देखते हैं अब मैं वहाँ पे मेरी कोशिश लगी रहेगी कि आरव अनन्या को मैं मिला पाऊँ। मैं और पीयूष तो यही ट्राई करेंगे साथ में। अब सिमर माँ के लिए एक नई प्रॉब्लम आ गई है जो कि आई डोंट नो हाउ शी गोइंग टू टैकल। देखते हैं क्या ड्रामा आने वाला है नेक्स्ट। जो औरत अपने खुद के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देना वो माँ वो भी नहीं सकती, और ऐसी औरत माँ कहलाने के लायक भी नहीं है।